बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूटर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से खैर व अफियत से होंगे। आज का ये वजीफ़ा ज़िलहज का चाँद मुबारक देख कर आपने ये अमल करना है और ज़िलहज के इस ख़ास महीने के हवाले से है। ये वजीफ़ा हज़र अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बताया हुआ अमल है और ये एक ख़ास सूरा पर मुश्तमिल। आपने करना यह है कि ज़िलहज का चांद मुबारक देखकर ये एक छोटी सी सूरा जो मैं आपको बताऊंगा इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपको बहुत जल्दी औलाद की खुशखबरी सुना देंगे। ये अमल सूरत कौसर का अमल है और इसको पढ़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस अमल को अपने पेट पर अपना दायां हाथ रखकर आपने इस अमल को करना है और ज़िलहज का चांद मुबारक देखकर आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगी और अल्लाह पाक आपको औलाद की खुशखबरी अता कर देंगे। इस अमल को बताने के साथ साथ मैं आपको ज़िलहज की फजीलत भी बताऊंगा कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि ये महीना कितना ज़्यादा ख़ास है। तो इस अमल को बताने से पहले मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से और हजूर नबी पाक सल्लम के वसीले से अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द औलाद की नेमत अता कर दे। आमीन। तमाम मेरी बहन और भाई कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जाए। अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। मेरी बहन और भाइयों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि अगर कोई शख्स सूरत कौसर को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो उस पर बरसना शुरू हो जाती है और जो वो मांगता है उसको मिल जाता है। जिस बंदे पर अल्लाह पाक की रहमत बरसना शुरू हो जाए तो उस पर फिर जो है सारी दुनिया अल्लाह पाक उसके कदमों में ला के रख देता है और जो वो मांगता है उसको मिल जाता है। अब आपने करना यह है कि ज़िलहज का चाँद मुबारक देख कर आपने ये अमल करना है। आपने बावजू होकर ये अमल करना है और चाँद मुबारक देख कर आपने करना यह है कि सूरत कौसर जो कि कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है, कुरान पाक की सबसे छोटी तीन सूरह, ये 3 आयत पर मुश्तमिल है। आपने सूरत कौसर को 333 मरतबा पढ़ना है। 333 टाइम 333 मरतबा आपने सूरत कौसर को पढ़ना है और अपने दाएं हाथ पर अपने फूंक मारनी, हाथ अपने पेट पर आपने फेर लेना है और अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है कि ए मेरे पाक अल्लाह, मेरी इस खाली झोली की तरफ, मेरी इस खाली कोख की तरफ अल्लाह पाक अपनी नज़रें करम कर दीजिए और मुझे औलाद अता कर दीजिए। ए मेरे पाक अल्लाह, जब आपका हुक्म होता है आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बिन बाप के जो है वो औलाद अता कर देते हैं और जब आपका हुक्म होता है तो आप हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद अता कर देते हैं। तो अल्लाह पाक जब आप हुक्म होता है तो आप एक बांझ औरत को भी औलाद दे देते हैं। ए मेरे पाक अल्लाह, इस ख़ास सूरा को पढ़ने की बदौलत से और इस ख़ास महीने की बरकत से अल्लाह पाक मेरी खाली झोली को भर दीजिए और मुझे जल्दी साहिब औलाद कर दीजिए। आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है रो रो कर, गिर गिरा कर। अव्वल राखरा आपने दुरूद पाक लाजिम पढ़ना है और आपने अपने पेट पर जो है फूंक मार देनी है। इंशाअल्लाह ताला ये छोटा सा अमल अगर आप कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी, जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको ज़िलहज के इस ख़ास महीने की फजिलत के बारे में एक हदीस आपके साथ शेयर करता हूँ। नबी करीम सल्लम का फरमान है कि कोई भी दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इन 10 दिनों से अजमत वाला नहीं है। यानी जो ज़िलहज के जो पहले 10 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा ख़ास और अजमत वाले दिन हैं और आपने फरमाया है कि ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह पाक को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। इसलिए जब तुम इन 10 दिनों को पालो तो तुम कसरत से जो है ये तस्बीह पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो ये जो ख़ास दिन है, इन 10 दिनों में दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल हो रही होती हैं क्योंकि अल्लाह पाक की रहमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बरस रही होती हैं। तो ये आज का अमल आप लाजमी करें। इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।